हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कर्व फिटिंग बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड में। मैं पहले आपको फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन और फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला बता चुका हूं। यहां जो IT12 यहां पे आप जाके मेरे जो पुराने वीडियोस उसको आप देख सकते हो, और उससे पहले मैंने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे डाल रखा है या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, और उसके बाद मेरे जो भी मैट्रिसेस पे वीडियोस हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर सीरीज है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं स्टूडेंट। सो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, राइट। सो यहां देखिए आप, मैंने दिया यहां पे क्वेश्चन, द फिट द कर्व इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो इस लेसन के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ कि कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको कर्व में कैसे फिट करते हैं। सो ये मैंने अलग से एक वीडियो लिया जिसमें आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे दे रखा है कि फिट द कर्व वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी पावर एक्स बाय द यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड टू द फॉलोइंग डेटा एंड हैंस फाइंड द वाई एट एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू ए प्लस बी पावर एक्स, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग, है ना। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए बी पावर एक्स, ये लॉग बेस e है ना, बेस e ले रहा हूँ मैं, राइट। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए प्लस, मतलब ये x को आप आगे ले ली, यहाँ पे b पावर x है, नॉट ए बी पावर x है। सो इसको ये हो जाएगा log b पावर x हो जाएगा, देन इसको आप आगे ले लीजिए। सो log y इज इक्वल टू log a प्लस x log b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ले लेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ये कैपिटल, मैं इसको कैपिटल a ले लेता हूँ। सो दिस इज a प्लस बी एक्स, कैपिटल बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है स्टूडेंट, जो ये log y था इसको मैंने कैपिटल y मान लिया, log a था इसको मैंने कैपिटल a मान लिया, और जो log b था इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कैपिटल b मान लिया, और जो स्मॉल x था इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल x मान लिया, है ना। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ इसको हम कैसे करते हैं, वही सेम, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, देन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा आपके पास ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सो स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन में लेता हूँ। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आप टेबल बना के लिख लीजिए यहाँ पे। सो ये आपको दे रखा है एक्स, ये आपको दे रखा है वाई, है ना। सो एक्स की वैल्यू मैं थोड़ा सा इसको जगह ले लेता हूँ, सो देट क्या है कि मेरे लिए सॉल्व हो जाएगा, है ना। फाइंड वाई एट एक्स इज इक्वल टू एट, है ना। सो यहाँ पे आपको दे रखा है ये एक्स, है ना, और ये वाई। सो एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ यहाँ पे ये दे रखा है आपको 87, देन 97, देन 113, देन 129, देन 202, देन 195, देन 195, एक मिनट का मिस्टेक हुई, 87, 97, 113, 129, 202, 195 एंड 8 है ही नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 193, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सब, एक्चुअली आपको यहाँ पे समेशन एक्स निकालना, समेशन कैपिटल वाई निकालना, तो आपको कैपिटल वाई निकालना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ऑफ स्मॉल वाई लेंगे, राइट। तो ये जो भी आपको दे रखा है लाइक ये ना, तो यहाँ पे आप ले लेंगे लॉग 87, है ना। तो लॉग 87, लॉग 97, लॉग 113, लॉग 129, इन सबकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। और लॉग बेस ई है स्टूडेंट, ध्यान रखना ln निकालना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर में। सो यहाँ सब आप निकालोगे तो आएगा 4.5659 आएगा, देन लॉग 97 की वैल्यू आएगी आपके पास 4.5747 आएगा, देन ये आएगा आपके पास 4.7274 आएगा, देन ये आएगा 4.8598 आएगा, देन ये आपके पास आएगा 5.3083 आएगा, देन ये आपके पास आएगा 5.2730 आएगा, देन ये आपके पास आएगा 5.2627। नाउ अब आपको निकालना है यहाँ पे एक्स, तो एक्स ही है तो एक्स को रहने दीजिए, है ना, ये हमारा कैपिटल एक्स ही ले लीजिए आप, राइट। अब आपको चाहिए यहाँ पे एक्स वाई, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 4.4659, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9.1494, देन ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 14.18,
टू टू और देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.4392, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26.5413, देन इसकी वैल्यू आएगी 31.6380 एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36.8388। नाउ आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए स्टूडेंट, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इसका स्क्वायर करके निकालेंगे तो आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका समेशन निकालेंगे, तो स्टूडेंट इसका जो समेशन आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो समेशन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 28। नाउ आपको यहाँ पे चाहिए समेशन वाई, सो समेशन वाई आपके पास आएगा यहाँ पे 34.4718 आएगा। नाउ यहाँ पे आपके पास आएगा समेशन एक्स वाई की वैल्यू, और समेशन एक्स वाई आपके पास आएगा 142.2549 एंड देन इनको ऐड करेंगे तो ये जो है इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 140। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आई, इन सब वैल्यू को उठा के हम क्या रखेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे, क्लियर है। तो मैं इक्वेशन यहाँ बना रहा हूँ है ना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी एन है, एन कितना है 2, 4, 6, 7, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, तो ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 7 कैपिटल ए प्लस समेशन एक्स, समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 28 बी इज इक्वल टू समेशन वाई, और समेशन वाई हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट 34.4718। नाउ ये वाला ए समेशन एक्स, सो समेशन एक्स हमारे पास 28 आया है, तो 28 ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, सो समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है 142 बी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ दे रखा है समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 142.2549। स्टूडेंट हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटल ए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 4.3 और कैपिटल बी जो हमारे पास आया वो आया 0.15598 आया। पर मैं बता दूं आपको कि जो मैंने यहाँ पे ये कैपिटल ए जो लिया था वो ये लिया था, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो जो मेरे पास स्मॉल ए आएगा, ध्यान दीजिए ये लॉग हटेगा तो ये ई की पावर ए आएगा, और ई की पावर ए मतलब 4.3 आया है ना, और इसको हम 4.3 वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी वो 73.6998 आएगी, राइट। मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है कैलकुलेटर से ई की पावर 4.3। अब आप बोलोगे सर ई की पावर कहाँ से आ गया, तो बेटा ये लोगे इज इक्वल टू कैपिटल ए दे रखा है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए स्मॉल बी, हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए बी की वैल्यू आई, तो कैपिटल ए की वैल्यू से हम स्मॉल ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये लॉग हटेगा, तो लॉग हटेगा तो उधर ई की पावर ए आएगा ना, तो ई की पावर ए में वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम चेक करेंगे, तो देखिए आप स्टूडेंट बी की वैल्यू आएगी ई की पावर बी, दैट इज ई की पावर 0.15598, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ये तो हमारे पास ए की वैल्यू है, नाउ बी की जो वैल्यू आएगी वो ई की पावर 1.1558 आएगी, सो इसकी वैल्यू आएगी 1.1688। सो दिस इज बी, नाउ ये ए और ये बी दोनों को उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन था वो ये था स्मॉल ए बी पावर एक्स क्या होगा, सो वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आई 73.6998 इंटू बी हमारे पास आया 1.1688 पावर एक्स, और एक्स कितना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई नहीं, एक्स तो हमें निकालना ही नहीं था, तो ये हमारा क्या है ये पावर एक्स है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी पावर एक्स को फिट करिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोनों तरफ लॉग लेना है, ये लॉग ए प्लस ए बी लॉग एक्स आ जाएगा, यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, ये हमारा कैपिटल वाई है कैपिटल एक्स कैपिटल बी मान लीजिए, और स्मॉल एक्स को भी कैपिटल एक्स मान लीजिए, देन इससे हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन फिट करने वाला, जो इससे पहले मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ वही आपको देखना है लीस्ट स्क्वायर मेथड में फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब ये दोनों फार्मूले आएंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दे रखा है पर हमें कैपिटल वाई निकालना है, सो कैपिटल वाई की जो वैल्यू आएगी कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी स्मॉल लॉग वाई, सो स्मॉल लॉग वाई हम इसका लॉग लेंगे, लॉग बेस
ई लेंगे मतलब एलएन लेंगे तो उससे वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, देन ये एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे हम। इस इक्वेशन से हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी, और कैपिटल ए से बल्कि हमें तो निकालना स्मॉल है तो इसका हम ये लॉग हटेगा तो ई की पावर ए आ जाएगा, देन ए की वैल्यू 4.3 रख देंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा। इसी टाइप से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर कैपिटल बी होगा, कैपिटल बी की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और मैं इस पे लूंगा, देन इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे कि जो मैं कर्व फिटिंग में आपको समझा रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन समझा उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू ए बी पावर x था, यहाँ पे ए एक्स पावर बी है। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है ए एक्स पावर बी, तो दोनों तरफ क्या लेंगे हम यहाँ पे लॉग लेंगे। सो आएगा लॉग ए एक्स पावर बी, देन क्या होगा स्टूडेंट लॉग y इज इक्वल टू ये आएगा log a प्लस log x पावर b, देन ये आएगा आपके पास log y इज इक्वल टू log a प्लस b log x हो जाएगा। देन इसको हम क्या लेंगे कैपिटल y लेंगे, ये कैपिटल a होगा, देन ये कैपिटल b x हो जाएगा, और ये भी कैपिटल होगा। हमने क्या करा स्टूडेंट, जो log y था उसको हमने कैपिटल y ले लिया, log a को हमने कैपिटल a ले लिया, लॉ बी जो स्मॉल बी था उसको हमने कैपिटल बी ले लिया, और जो स्मॉल लॉग एक्स था उसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया कैपिटल एक्स ले लिया। देन उसके बाद तो वही फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ समेशन लेंगे हम तो एन ए प्लस बी समेशन एक्स, देन इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, इन दोनों से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ उससे आपको समझ में आएगा। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है ना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। सो ये दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 0.5, 2, 4.5, 8 और 12.5। सबसे पहले एक बात बता दूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो स्मॉल लॉग वाई जो है यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि log y कैपिटल y के बराबर है, log x कैपिटल x के बराबर है। तो सबसे पहले हम कैपिटल x निकालेंगे तो ये आएगा हमारा log x, देन ये कैपिटल y निकालेंगे तो ये आएगा हमारा ये है ना, देन आपको यहाँ पे फिट दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूँ है ना, इसका हम log लेंगे तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना, बस e ले रहे हैं हम यहाँ पे है ना, सो ये 0 हो जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या लेंगे log 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6931, नाउ log 3 लेंगे तो ये आएगा 1.0986, देन log 4 लेंगे तो ये आएगा 1.3863, देन log 5 लेंगे तो ये आएगा 1.6094। नाउ अब हम log 0.5 लेंगे तो उससे कैपिटल log y की वैल्यू आएगी, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0.6931 आएगा, ये आएगा 6.31, देन इसकी वैल्यू आएगी log 4.5 आएगा हमारे पास 1.5041। स्टूडेंट यहाँ बेस e है ध्यान दीजिएगा, ये बेस e है राइट, सो ln लेना है आपको कैलकुलेटर में राइट। सो ये आएगा, देन ये आएगा आपके पास 2.0704794 आएगा है ना, log 8 की वैल्यू, लाइन log 12.5 आएगा हमारे पास 2.5257। नाउ हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले एक्स वाई निकालेंगे तो 0 आएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4805, देन नेक्स्ट निकालेंगे इन दोनों की वैल्यू तो ये आएगा 1.6524, देन ये आएगा 2.8827, देन ये आएगा 4.0650। स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा 0, देन ये आएगा 4.4.05, देन इसकी वैल्यू आएगी 1.2069, 1.9218, देन 2.5903। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका समेशन निकालेंगे, तो समेशन जो x आ रहा है आपके पास, समेशन कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, ये आ रहा है 4.7875 आ रहा है आपके पास। नाउ समेशन कैपिटल y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.1092 आ रहा है आपके पास, देन समेशन एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 9.0806, देन समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे
6.1995। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 5 है, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे इन सब की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, है ना। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या n है ना, तो मैं यहीं रख देता हूं। सो n कितना है, 5, तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास 5a, राइट। फिर b समेशन x, तो समेशन x कितना आएगा, b आएगा हमारे पास 4.7875 इंटू बी इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है यहाँ पे समेशन y, तो समेशन y की वैल्यू हमारे पास है 6.1092। नाउ हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है a समेशन x, तो समेशन x की वैल्यू है 4.7875 इंटू a प्लस यहाँ पे दे रखा b समेशन x स्क्वायर, सो समेशन x स्क्वायर आपके पास दे रखा है 6.1995 इंटू b इज इक्वल टू समेशन xy, दैट इज 9.0806। स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे माइनस का 0.6932 आएगा, और b की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.0 आएगी, राइट। पर अब मैं आपको बता दूं, b तो हमारा b ही है ना, ये जो स्मॉल कैपिटल b और स्मॉल b की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो स्मॉल a है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल a की जो वैल्यू होगी वो e की पावर a के बराबर होगी, है ना। तो ये जो e की पावर a है, है ना, e की पावर a की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6932, और इसका e की पावर 0.06932 की जो वैल्यू आएगी, है ना, वो भी माइनस में है, तो माइनस में है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4999 आ रहा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इसकी वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट ये हमारे पास स्मॉल a आया, और ये हमारे पास स्मॉल b आया, देन ये a और b की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई 0.5, और b की वैल्यू हमारे पास आई x पावर b की वैल्यू हमारे पास 2i। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस y इज इक्वल टू a x पावर b को फिट करना है इस डेटा के अंदर। तो स्टूडेंट हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग x पावर b, और ये b आगे आ जाएगा, देन इसको हम कैपिटल y लेंगे, इसको हम कैपिटल a लेंगे, इसको हम कैपिटल x लेंगे, और b को भी हम कैपिटल b ले लेंगे। तो स्मॉल b और कैपिटल b सेम ही है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही ये हमारे स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन को फिट करने का फार्मूला यही होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, स्मॉल x और स्मॉल y तो गिवन है, पर स्मॉल x को हमने यहाँ पे ले लिया है, मतलब कैपिटल x को हमने लिया है स्मॉल log log स्मॉल x है, तो आपको क्या करना है, x log कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल log x आएगी, और कैपिटल y की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल log y आएगी, तो log लेना पड़ेगा, देन वही x y एंड देन कैपिटल x स्क्वायर ले लिया। इन सब की वैल्यू सम करके हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इस इक्वेशन को पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, है ना, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उससे हमें a और b की वैल्यू ये मिलेगी। और ये a और b की वैल्यू में ध्यान देना है कि b की वैल्यू तो स्मॉल b के बराबर है, पर कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो लॉग ए के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ए स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर ए होगी, है ना, तो ई की पावर ए ए की वैल्यू रख दी, माइनस का 0.693, उसका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 0.4999, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5। ये ए और ये बी की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कैलकुलेटर चलाना बेस्ट आना चाहिए, है ना, तो वो आप थोड़ा ध्यान दें, और ये लॉग बेस ई है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चेक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में कहीं आपको मिस्टेक नहीं नज़र आएगी, है ना। और अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे जो जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। मैं नॉर्मली जितने भी यूट्यूब चैनल होते हैं वो सबसे पहले ये बात बोलते हैं, मैं सबसे मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप देखेंगे उसके सबसे आखिरी में ये वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी क्वालिटी दूँ आपको, एक कंटेंट दूँ, देन उसके बाद मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और आप कमेंट ज़रूर करें, सो देट कि हमें आगे और भी अच्छा कंटेंट लेके आपके पास आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और लास्ट भी जो स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन पे जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई, वो बीएससी वाले स्टूडेंट या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट या जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी सेम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो आप अपने हिसाब से यहाँ कंटेंट देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसके बाद मैं आपके सामने नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो है जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, जिसके अंदर हम जो न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड स्टर्लिंग और जितने भी फार्मूले इन सबका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन। थैंक यू।